हाय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन चापली कबाब की रेसिपी। ये खाने में बड़े मज़ेदार बनते हैं। इसके साथ जाने वाली चटनी की रेसिपी भी इस वीडियो में मैं शेयर कर लूँगी, तो रेसिपी के अंत तक बने रहे ताकि आपसे कोई स्टेप ना मिस हो जाए और आप भी ऐसे मज़ेदार चापली कबाब और चटनी घर पर बना पाओ। रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 500 ग्राम चिकन का फाइन पेस्ट बना लिया है मिक्सर में। इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसमें हम 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून धनिया का पाउडर। इसमें हमने 1/2 टेबलस्पून अनारदाना पाउडर डाल देना है। इसमें हम 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर ऐड कर लेंगे। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून मकई का आटा। इसमें हम 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाल देंगे। इसमें हम 1/2 टमाटर को काट कर इसके बीज निकाल कर इसको इसमें डाल देंगे। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई धनिया। इसमें हम 1/2 टेबलस्पून बटर ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने 1 मीडियम साइज प्याज को बारीक काट लिया है और इसके पानी को पूरी तरह से निचोड़ कर प्याज को इसमें डाल देंगे। हम सारी चीज़ों को हम हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिला लेंगे। कीमा को हमें अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक मसाज कर लेना है। इसमें हम 3 तीखी मिर्चियों को बारीक काट कर इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कबाब मसाला डाल दिया है। ईशान का सीख कबाब मसाला है जिसको मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको हम मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे 1/2 घंटे तक। एक ग्राइंडिंग जार में हम 1/4 कप इमली का पल्प डाल देंगे। इसमें हम 1/2 मुट्ठी भर धनिया के पत्ते डाल देंगे। 1/2 मुट्ठी भर पुदीना के पत्ते डाल देंगे इसमें। इसमें हम 1 टीस्पून साबुत जीरा ऐड कर लेंगे। 2 तीखी वाली मिर्चियाँ डाल देनी है हमें इसमें। इसमें हम 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा प्याज डाल देंगे और इसमें हम 1 टेबलस्पून शक्कर डाल देंगे। इन सारी चीज़ों का हमें फाइन पेस्ट बना लेना है। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। हम इसको एक बोल में निकाल देंगे और इसमें हम चटनी हमें थोड़ी गाढ़ी लग रही थी तो हमने थोड़ा पानी मिक्सर के ग्राइंडिंग जार में डालकर बाकी के चटनी को निकाल दिया है और इसमें डाल दिया है। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। चटनी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे 1/2 घंटे हो चुके हैं, अभी हम कबाब बनाना शुरू कर लेंगे। हम यहाँ पे थोड़े मोटे और बड़े कबाब बनाएंगे क्योंकि ये कबाब तेल में जाते ही श्रिंक हो जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़े बड़े साइज़ के कबाब बना लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको तैयार कर लेने हैं सारे कबाब। अभी हम इसको शालो फ्राई कर लेंगे। तवा मैंने रख दिया है गैस फ्लेम पे और इसमें हम तेल ऐड कर लेंगे और हमारे कबाब्स को इसमें डाल देंगे। इसको हम 3-4 मिनट के बाद पलट कर चेक कर लेंगे। इसको हमें दोनों तरफ लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है क्योंकि हमारे कबाब थोड़े मोटे हैं, थोड़े ज़्यादा टाइम लगे हैं पकने के लिए। मैंने फ्लेम को मीडियम पे रख के इसको अच्छा कलर आने तक पका लिया है। अभी हम इसको निकाल देंगे और ये तैयार है। इसको हम चटनी के साथ और प्याज के साथ सर्व कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ गई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you for watching. Until next time, bye bye.